आंदोलन जो मेरा चल रहा है तो अपनी मांगों को लेकर चल रहा है, अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर मेरा आंदोलन चल रहा है। मेरे आंदोलन का ये दूसरा चरण है और दूसरे चरण में हमारी बहनें भूखी प्यासी लगभग दो महीने से बेचारी आंदोलन कर रही हैं, लेकिन हमारी सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार अगर मुझसे काम ले रही है तो जैसे नरेगा मनरेगा सबको दे रही है, अभी खिलाड़ियों को सरकार कह रही है कि 8000 राज्य सरकार देगी तो 8000 केंद्र सरकार देगी, तो क्या हम आंगनबाड़ी बहनों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं? जब मेरी आंगनबाड़ी 22 तारीख को लखनऊ के लिए कूच की तो उस समय सरकार दूसरे दिन ही उनको डंडे या लाठी का प्रयोग करवाई, क्या सरकार की यही मंशा है? ये जो गूंगी बहरी सरकार है हमारी व्यथा को नहीं सुन रही है, हमारे मानदेय को नहीं दे रही है। जो हमारा पिछला समझौता 10,000 का है, 15,000 का हम मांग कर रहे हैं। जब तक हमको राजकर्मचारी घोषित ना किया जाए तब तक हमको जीने के लायक एक छोटा सा मानदेय देने में कोई सरकार को इतना बड़ा वो नहीं हो गया कि बहुत बड़ा हम तोहफा मांग रहे हैं। आज कहते हैं कि हम आपका मानदेय काट देंगे, काट लेना, उनकी डीपीओ तो हर महीने मेरी मानदेय काट लेती है। इस तरीके से काटती हैं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें सोच भी नहीं पाती हैं कि मेरा मानदेय कट गया। टाट पट्टी नहीं है, टाट पट्टी खरीद लो काम चला लो, चाक नहीं है काम चला लो, स्लेट नहीं है काम चला लो, रजिस्टर नहीं है काम चला लो, और पोशाहार की ढुलाई नहीं है काम चला जो आज 7 साल से मुझे पोशाहार की ढुलाई भी नहीं मिली। क्या आंगनबाड़ी के बच्चे बच्चे नहीं है? वजन से उनका स्वास्थ्य शरीर सही हो गया? उनको भी तो कपड़े की जरूरत है, जूते की जरूरत है, खाना की जरूरत है। आज तक पूरे साल बीत गए, न बच्चों को खाना है, न जूता है, न चप्पल है, मेरे बच्चे बिल्कुल बेचारे बन के आते हैं। पुष्टाहार आता है तो अगर 10 बोरी 11 बोरी आएगा तो इसमें से सारा जो है हमारे अधिकारी खा जाते हैं और 5 बोरी हमारी आंगनवाड़ी को दे देते हैं, उसमें भी कहते हैं इसमें घूस चाहिए, हमको घूस चाहिए। तुम चाहे अपने मानदेय से निकाल के दो और चाहे पुष्टाहार बेच करके दो। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है, आप बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश के निर्देशक के फोन नंबर 0522228724 पर फोन करके दबाव बनाएं। मैं माधुरी राज, उत्तर प्रदेश इंडिया अनहट के लिए।